नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस के चलते देश की अर्थव्यवस्था को भारी धक्का लगा है। इस वायरस के चलते जहां उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए हर संभव पहल कर रही है। बहुत से समाज सेवी एनजीओस भी गरीब बेसहारा लोगों की मदद को आगे आए हैं। एराइज न्यूज उनके गुडवर्क को समाज के सामने ला रहा है। उन्हीं में से एक है दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल ईसीएल ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी, जो ईसीएल खदान वाले क्षेत्रों में लोगों को न केवल कोरोना वायरस से जागरूक कर रही है, साथ ही गरीब बेसहारा लोगों को खाद्य सामग्री और जरूरत के दूसरे सामान भी मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में आज संस्था की मुगमा शाखा द्वारा निरसा के पीठा क्यारी और भागलक्ष्मी गांव में 50 जरूरतमंद महिलाओं को राशन, साबुन, मास्क, गुड़, नारियल, साड़ी, मच्छरदानी आदि सामानों का वितरण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। इस मौके पर संस्था की मुगमा एरिया की अध्यक्षा अर्चना सिंह का कहना था कि ये सब दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल ईसीएल ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती पूनम मिश्रा जी के मार्गदर्शन और अथक प्रयासों से ही संभव हो रहा है। उनका कहना है कि इस कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, साथ ही गरीब परिवार भी दुर्गा पूजा और दूसरे त्योहारों का आनंद ले सकें। उनका कहना है कि इस कोरोना काल में जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल ईसीएल ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी की इस नेक पहल से जहां हजारों परिवारों में जल रहा है चूल्हा, साथ ही दूसरे लोगों को भी मिल रही है मानवता की सीख, वहीं से हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।